प्यासे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु कृपा के से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया, बोले है अमृत बाणी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर जागने की बात की गई है, शरीर के जागने की नहीं, मन के जागने की। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन सोया हुआ है, ये जागेगा कैसे? अगर मन सोया रह गया तो ये क्या क्या करता है, और अगर मन जाग जाए तो क्या अवस्था प्राप्त होती है? तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के समय की घटना। एक सिख बहुत सेवा करता है संगत में, कारोबार भी करता है, घर गृहस्थी भी पालता है और संगत करता है, सेवा करता है। अंदर बैराग पैदा हुआ, संगत गुरु अमरदास जी की हो, बैराग कैसे पैदा नहीं होगा? हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन गुरु अमरदास जी प्रवचन कर रहे हैं संगत में, दुखों का जो मूल कारण है वो है जन्म और मरण, गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुखों का जो मूल कारण है वो है जन्म और मरण, जीवन और मृत्यु। जन्म लिया है, दुख भोगने ही पड़ेंगे, कोई नहीं बचा इससे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे आम इंसान हो, चाहे संत हो, चाहे कोई अवतार हो, इससे कोई नहीं बचा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात अलग है, जो पूर्ण संत महापुरुष होते हैं, अवतार होते हैं, उन्हें दुख महसूस नहीं होते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी वचन कर रहे हैं, दुखों का जो मूल कारण है वो है जन्म, जन्म लेंगे तो मरना तो पड़ेगा। इस सिख के मन में सवाल पैदा हुए और संगत में चुप रहा। कीर्तन का भोग पड़ा, संगत अपने अपने घर चली गई, जो सेवादार थे सेवा कर रहे हैं। यह गुरु अमरदास जी के चरणों में जाकर खड़ा हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा, एक सवाल है मन में, दुखों का मूल कारण जन्म और मरण है, तो जन्म और मरण का मूल कारण क्या है? हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने सिख की तरफ देखा कि बड़ा प्यारा सवाल पूछा है, कि अगर दुखों का कारण जन्म है तो जन्म का कारण क्या है? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने जवाब दिया, जन्म और मरण का कारण है पाप। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने थोड़ा विस्तार से समझाया, जब तक ये मन सोया रहेगा ये मन पाप करता रहेगा, जिस दिन ये मन जाग गया, जिस दिन ये मन जाग गया, गलती से भी पाप नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आदमी सोया हुआ भी है तो भी पाप नहीं होगा, नींद में भी पाप नहीं होगा, क्योंकि मन जाग गया।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये थोड़ी गहरी बातें हैं साथ से बाकी, पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगी। दुखों का मूल कारण जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु का कारण पाप, पाप का कारण मन सोया हुआ है। मन जागेगा कैसे? घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे। जिन्ना मन वसे पाते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसया। जिसके हृदय में प्रभु बस गए, प्रभु कैसे बसे? बोल है अमृत बाणी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो गुरु की बाणी हम गा रहे हैं, अमृत बाणी, उसकी उस्तत दिन रात उसकी उस्तत करेंगे, एक दिन मन में बस जाएगा। मन में बस गया, मन जाग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इसने इतनी ज्ञान की बातें सुनी, चरण पकड़ लिए गुरु अमरदास जी के, पाछा मेरा जन्म मरण काट दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा जन्म मरण काट दो, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, कुर्बानी मैं सुनता हूं समझ में नहीं आती, आप समझाते हो तो समझ में आती है। मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, सेवा करता हूँ, सिमरन का मुझे पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मेरा जन्म मरण तो मैं नहीं काट पाऊंगा, मेरा मन नहीं जागेगा, आप कृपा करो मेरा जन्म मरण काट दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी सीधी साधी बातें सुन के गुरु अमरदास जी प्रसन्न हो गए, समझाया कि अनपढ़ता, अनपढ़ आदमी कुछ भी सीख नहीं पाता, इसलिए उम्र का तकाजा मत कर के तेरी उम्र कितनी हो गई है, अभी से पढ़ना लिखना शुरू कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के गुरबानी से गुरमुखी सीख, गुरमुखी सीख और गुरबानी पढ़। गुरु अमरदास जी ने एक विद्वान को अपने पास बुलाया, जो गुरमुखी को, जो लोगों को गुरमुखी सिखाता था, उसे कहने लगे इसे गुरुमुखी सिखाओ और इसे बाणी के अर्थ समझा के बाणी भी सिखानी शुरू करो। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना साथ संगत जी, गुरु अमरदास जी चाहे तो जन्म मरण एक सेकंड में काट दे, बड़ी बात नहीं, पर सारे दुनिया को ज्ञान देना होता है साथी से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी गुरु के चरण पकड़ कर ही बैठ जाए और अनपढ़ रहे, नहीं, ज्ञान हासिल करने की भूख होनी चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुखी जरूर सीखा करो, गुरुमुखी सीखने के कई लाभ हैं। हम देवनागरी हिंदी में भी पाठ कर लेते हैं श्री जपजी साहब जी का, सुखमनी साहब जी का, पर सच में जब हम सुनते हैं तो वो पाठ शुद्ध नहीं होते,
और जब वाणी शुद्ध नहीं पढ़ी जाती तो उसके अर्थ भी समझ में नहीं आते। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 52 वचनों में से एक वचन है कि गुरुमुखी सीखो, वाणी कंठ करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही गुरबाणी जो आप हिंदी के गुटके में से पढ़ते हैं, जिस दिन गुरुमुखी के गुटके से पढ़ने लग गए, आनंद ही अलग आएगा, क्योंकि वाणी शुद्ध हो जाएगी, उच्चारण शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद अपने आप अर्थ समझने शुरू हो जाते हैं अपने आप। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे गुरुमुखी क्यों कहा जाता है? ये गुरु के मुख से निकली हुई वाणी गुरुमुखी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने उस विद्वान सिख से कहा कि इसे सिखाओ, गुरुमुखी सिखाओ और वाणी सिखाओ पढ़ना। विद्वान इसे अपने पास ले गया, अपने साथ ले गया। काफी समय लगाकर इसने गुरुमुखी सीखी, सीख गया। जिस दिन सारी गुरुमुखी आ गई इसे, तो विद्वान सिख ने उसे आज एक पंक्ति सिखाई बाणी की। पहली बार कौन सी पंक्ति? मैं पाया सतगुरु, मैं पाया, सतगुरु बार इसने इस वाणी को पढ़ा। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। गुरु अमरदास जी द्वारा उच्चारण की हुई वाणी आनंद से तीसरे गुरु नानक। ये जो शब्द श्रवण कर रहे हैं, ये भी गुरु अमरदास जी की वाणी में से है। आनंद से बड़े आनंद से जो 40 पौड़ी वाला आनंद से है, उसमें से ये शब्द है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसने ये पंक्तियाँ पढ़ी, उसने याद करवाई। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। ये पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, और जो सिखा रहा है वो कहने लगा, आज ये पंक्ति याद रखना, इसको याद कर लेना पूरा दिन पढ़ के। ये माथा टेक कर चला गया और दिन रात इस पंक्ति का उच्चारण कर रहा है। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। मैं पाया सतगुरु, मैं पाया, मैं पाया सतगुरु, मैं पाया, मैं गुरु मैं पाया। छह महीने का समय बीत गया, इतिहास में लिखा है
छः महीने का समय बीत गया। गुरु अमरदास जी ने की नजर उस सिख पर पड़ी। उन्होंने उस विद्वान सिख को अपने पास बुलाया कि अब तक क्या क्या सिखाया है इसे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो विद्वान कहने लगा, गुरुमुख की तो पूरी सीख गया था ये, पर बाणी की केवल एक पंक्ति मैंने सिखाई, उस दिन के बाद ये सीखने आया ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने पूछा, भाई क्यों, क्या बात है, तुझे हुक्म किया था कि तूने बाणी सीखनी है। उसने हाथ जोड़ दिए, अच्छा जब गुरु मिल गया आनंद आ गया। जैसे जैसे मैं ये पंक्तियां पढ़ता गया, इतना आनंद मेरा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मेरे हृदय में आपका वास हो गया। अब आंखें बंद करता हूं तो आप दिखाई देते हैं, आंखें खोलता हूं तब भी आप दिखाई देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आपको पा लिया, आनंद ही आनंद है, अब क्या बचा है जो जाकर सीखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, एक पंक्ति से मैंने सब कुछ पा लिया है और सीखने की जरूरत क्या है। जब गुरु अमरदास जी ने इसकी भावना देखी, इसके हृदय में झांका, प्रसन्न हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सीधी सादी सरल बातों पे प्रसन्न हो गए। कहने लगे, जा तेरा मन अब जाग गया है, तुझे और सीखने की जरूरत नहीं, तेरा जन्म मरण काट दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किन का एक जिस जी बसावे ताकि महिमा, किन का एक, किन का भी अगर एक अक्षर किसी के मन में बैठ जाए, वाहिगुरु ताकि महिमा गरी ना आवे। एक पंक्ति को लेकर ही उसने प्रभु को पा लिया, क्योंकि उसके अंदर प्रेम से डूब गया उसमें। दिन रात उच्चारण कर रहा उस पंक्ति का उसने पा लिया। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अनपढ़ इंसान पर हृदय से एक पंक्ति सीखी, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सच में पा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। हम दिन रात गुरुवाणी पढ़ते हैं, दिन रात, अब तक नहीं पाया। विचार किया करो कहाँ गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि हमारा मन अब तक सोया हुआ है। मैं अपनी ही बात करूं, आज भी गलतियों पर गलतियां हो जाती हैं क्योंकि मन सोया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जागेगा कैसे, गुरु कृपा दे, जिसके ऊपर गुरु पूरी कृपा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब तक हमारा मन सोया है हम गलतियां करते रहेंगे। मन जाग गया, गलती से भी गलती नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुर कृपाते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया। पर कैसे बोल रहे हैं, अमृत बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिन रात बाणी पढ़ते जाए, पढ़ते जाए, पढ़ते जाए, पढ़ते जाए, जरूर मन में बसेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,